आपको आनंद कहां मिलेगा पता है आपको? आप सब लोग यहां पर व्यापारी हैं, ठीक है विनोद जी? सभी लोग व्यापारी हैं ना? व्यापारी को सबसे ज्यादा आनंद काय में आता है, किसमें आता है? अच्छा आप ही लोग अपने मुंह से बोलो ना, ठीक? एक छोटा सा बच्चा मुझे मिला, मैंने कहा कहां जा रहे हो? कहा स्कूल जा रहा हूं। स्कूल जाके क्या करोगे? पढ़ूंगा। पढ़ के क्या करोगे? नौकरी करूंगा, व्यापार करूंगा। नौकरी व्यापार करके क्या करोगे? मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का था, उसके ये विचार हैं। पढ़ के क्या करेगा? आपने धन को सब कुछ समझ रखा है कि धन सब कुछ है, ठीक है? लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे दुखों का मूल कारण धन भी है, अर्थ क्लेश कारण। संतों ने इस धन की बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं की है, कहते हैं ये धन क्या है? कमाने में परेशानी है, उसका रक्षण करने में परेशानी है, चला जाए तो दुख है, समाप्त हो जाए तो दुख है, दुख ही दुख तो देने वाला है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते थे अर्थ मनर्थम भावये नित्यम नास्ति तथा सुख लेसा सत्यम। धन में सुख नहीं है, सुख यदि आपको कहीं मिल सकता है, आनंद यही कहती आपको कहीं मिल सकता है तो कहां मिलेगा आपको? भगवान के चरणों में कहां मिलेगा? मेरा भाई का नाम आप सब लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? मेरा भाई कौन थी पता है आपको? राजमहिषी थी, वो राजरानी थी मेरा भाई। और उस मीराबाई ने राजपाट छोड़ा, कुलधर्म छोड़ा, परिवार छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? कृष्ण के लिए। किसके लिए छोड़ा? और वो मीराबाई कहती है जानते हो सबसे बड़ा धन कौन सा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलिक ती मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलिक ती मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलिक ती मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलिक ती मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहां मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप धन धन नहीं कमाएं, व्यापार नहीं करें, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि धन ही सब कुछ नहीं है, धन से भी बड़ा कोई और भी है, उसका नाम परमात्मा है। क्या है उसका नाम? क्या है उसका नाम? परमात्मा।